नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने इस YouTube चैनल CPS ज्योतिष में। आज हम लोग बात करेंगे हाथ में बनने वाले धन त्रिकोण के बारे में, क्योंकि जो लोग मुझे WhatsApp मैसेज करते हैं या फिर जिन लोगों के मेल्स भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का जो प्रश्न है वो धन त्रिकोण को लेकर रहता है। तो आज हम लोग धन त्रिकोण के विषय में बात करेंगे और इसको तीन तरीके से देखेंगे। सबसे पहले कि किन व्यक्तियों के हाथ में धन त्रिकोण का फायदा मिलता है या किन व्यक्तियों को धन त्रिकोण से क्या क्या लाभ होता है। दूसरा, किसी सात्विक पुरुष या फिर साधु संन्यासियों के हाथ में धन त्रिकोण का क्या महत्व है। और तीसरा, धन त्रिकोण जिस किसी व्यक्ति के हाथ में है फिर भी उस व्यक्ति को उसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं और यह देखते हैं कि धन त्रिकोण जो है वो बनेगा कैसे हाथ में। तो ये आपकी भाग्य रेखा होगी, सभी लोग जानते हैं, जो कि आपके केतु पर्वत के हिस्से से निकलकर कुछ इस तरीके से शनि पर्वत पे जाती है। ये आपकी भाग्य रेखा होगी, ये आपकी मस्तिष्क रेखा होगी। अब यदि कोई रेखा आपकी भाग्य रेखा से जुड़कर और आपकी सबसे छोटी वाली उंगली बुध की उंगली की तरफ जाए, तो ऐसे में तीन रेखाओं के मिलने से एक त्रिकोण का निर्माण हो रहा है। पहली रेखा आपकी मस्तिष्क रेखा है, दूसरी आपकी भाग्य रेखा है और तीसरी जो रेखा है वो है आपकी बुध की रेखा। अब बुध की रेखा को, इस रेखा को लोग व्यापार की रेखा भी कहते हैं, स्वास्थ्य की रेखा भी माना जाता है, हेल्थ लाइन भी इसको लोग बोलते हैं। तो इन तीन रेखाओं के बनने से एक त्रिकोण बन रहा है। इस त्रिकोण को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझनी पड़ेगी शनि और बुध की प्रकृति, कि शनि का काम क्या है और बुध का जो काम है वो क्या है। तो बेसिकली शनि जो है उसको कारक माना गया है धन के लिए, ठीक है, और बुध जो है वो आपका कारक है व्यापार का। सबसे मेन कारक जो किसी भी व्यक्ति के काम धंधे में या व्यापार में जिस ग्रह को कारक माना गया है वो है आपका बुध। बुध यदि किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में उच्च का होगा और वह व्यक्ति यदि बिजनेस करेगा या व्यापार में संलग्न होगा, तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी धन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि बुध जो है वो व्यापार के लिए सबसे मेन दृष्टि जो है इसकी व्यापार के रूप में देखी गई है। तो जिस भी व्यक्ति का बुध खराब होगा तो ऐसे में आर्थिक संकट जो है कई बार व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं। अब दूसरी प्रकृति बता रहा हूँ, शनि जो है, शनि की प्रकृति है, शनि एक तरीके से सेनापति है किसी के भी लिए। व्यक्ति जैसे जैसे कर्म करेगा शनि उसको वैसा फल देता जाएगा, इससे ज़्यादा शनि का कोई रोल नहीं है किसी भी व्यक्ति के हाथ में या जन्म कुंडली में। सबसे जो मेन रोल होता है वो आपका गुरु का होता है और एक बुध का होता है। कहते हैं कि गुरु या बुध यदि किसी की जन्म कुंडली में उच्च के हों तो ऐसे व्यक्ति को कभी दिक्कतें आ ही नहीं सकती अपने जीवन में। तो इनका जो कारक माना गया है वो शनि धन का है, बुध आपका व्यापार का है। इसके साथ में बुध जो है आत्मविश्वास का कारक है और जीवन में स्थिरता का कारक भी जो है बुध को माना गया है कहीं ना कहीं। तो यदि किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा यदि स्पष्ट होगी, शनि के पर्वत पे यहाँ पे दबा हुआ ना हो या फिर गड्ढा ना आ रहा हो और एक रेखा निकलकर आपकी बुध की तरफ जारी हो और ये रेखाएं आपस में कटी पिटी ना हो, तो ऐसे में बनने वाला धन त्रिकोण व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा फायदा देता है। ऐसा व्यक्ति व्यापार में संलग्न पाया जाता है अधिकतर देखा है और व्यापार से अच्छा धन लाभ व्यक्ति कमाता है। एक बात इससे संबंधित और मैं बता दूं कि ऐसे लोगों के पास में, जिन लोगों की भाग्य रेखा से निकलकर बुध की तरफ रेखा निकलती है, ऐसे लोगों के पास में पुश्तैनी मकान हो सकता है या फिर पैतृक मकान या फिर अपने पिता के द्वारा बनाया हुआ मकान ऐसे लोगों के पास में पाया जा सकता है। तो बेसिकली तीनों रेखाओं का जब जुड़ाव होगा तो एक त्रिकोण बन रहा है। तो यह भी बता रहा है कि ऐसा व्यक्ति धन तो कमाएगा ही, लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास में जो है धन की बचत भी होगी। तो कहीं ना कहीं धन त्रिकोण जब हाथ में बनेगा तो यह धन की बचत को भी दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति धन कमाएगा भी और धन बचाएगा भी। तीसरी जो धन त्रिकोण से जुड़ी हुई बात है वो ये है कि धन त्रिकोण के बनने से हाथ में यदि किसी के भी हाथ में स्पष्ट और साफ धन त्रिकोण है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एक मकान अपने खुद की मेहनत और खुद के कमाए हुए पैसों से बनाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो ये तो हो गई धन त्रिकोण का फायदा, अधिकतर किताबों में भी आपको यही देखने को मिलेगा।
अब दूसरी बात करते हैं कि धन त्रिकोण जो है वो आपका साधु संन्यासियों के हाथ में भी हो सकता है, तो वहां पे ये कैसा फल देगा? तो उसके लिए शनि की एक प्रकृति और बता रहा हूं। शनि जो है वो गूढ़ रहस्यों का कारक है, और बुध जो है वो आपका गुप्त विद्याओं का कारक भी माना गया है। इसको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं, शनि आपका गूढ़ रहस्यों का, तो जिस भी व्यक्ति के पास में एक सुंदर सी और पतली सी बुध की रेखा जारी होगी, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो गुप्त विद्याओं में पारंगत होता है अधिकतर, क्योंकि बुध जो है व्यक्ति का कहीं ना कहीं ध्यान जो है न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या ओकल साइंस की तरफ जो ध्यान जाता है उसमें बुध को कारक माना गया है, और शनि जो है वो गूढ़ विद्याओं, जैसे किसी का ध्यान तंत्र मंत्र विद्याओं की तरफ हो गया या उस चीज़ को भी दर्शाता है। तो जब भी किसी भी साधु संत या फिर धर्मात्मा पुरुषों के हाथ में धन त्रिकोण बनेगा, तो आप देखेंगे कि धन उनके पास नहीं होता, लेकिन धन ऐसे लोगों के चारों तरफ होता है। ये आपने भी देखा होगा और मैंने भी अधिकतर पाया है कि धन जो है मनी ट्रायंगल के होने से व्यक्ति के आसपास में होता ही है। तो शनि जो है वो गूढ़ रहस्य प्रदान करता है, और बुध जो है गुप्त विद्याओं का कारक है, और व्यक्ति इसमें अपनी बुद्धि लगाएगा तो धन तो उसके चारों तरफ होगा ही होगा। तो ये हो गई बात कि साधु संन्यासी या फिर सात्विक पुरुषों के हाथ में धन त्रिकोण होगा तो इसका क्या फल होगा। अब एक और बात कर लेते हैं कि धन त्रिकोण किन व्यक्तियों के हाथ में शुभ परिणाम नहीं देता, या फिर धन त्रिकोण जिनके हाथ में होता है उन्हें फायदा क्यों नहीं होता। तो उसके विशेष तौर से दो या तीन कारण माने गए हैं। किसी भी व्यक्ति का शनि पर्वत और आपका सूर्य का पर्वत यहाँ से दब रहा हो, या फिर बुध पर्वत के नीचे आड़ी लाइन्स आ रही हों और फिर धन त्रिकोण की रेखा बने और व्यक्ति के हाथ को राहु रेखाएं कुछ एक या दो इस तरीके से काट रही हों, तो व्यक्ति को जो है वो धन त्रिकोण का फायदा नहीं मिलेगा। दूसरी एक कंडीशन बता रहा हूँ, किसी व्यक्ति के हाथ में यदि धन त्रिकोण की रेखा भाग्य रेखा से निकलकर सिर्फ इतनी ही है और ऊपर से यहाँ से ये खाली रह गई है, तो ऐसी स्थिति में भी जो है व्यक्ति को धन त्रिकोण का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। एक कंडीशन और बता रहा हूँ, यदि ये मान लीजिए रेखा पूरी है और बीच में से यहाँ से कटा हुआ है, यहाँ से खाली है, तो धन तो ऐसा व्यक्ति कमाता रहेगा, लेकिन धन आप कमाते जाएंगे और लोग ले जाते रहेंगे, क्योंकि ये यहाँ से जो धन की कोठरी है वो आपकी खुल गई है। या फिर मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ में धन त्रिकोण के बीच में क्रॉस का निशान आ रहा हो, तो ऐसे में जो है व्यक्ति का धन कहीं ना कहीं नष्ट हो जाएगा। व्यक्ति धन तो जोड़ लेगा, लेकिन कोई ना कोई जीवन में ऐसी सडन प्रॉब्लम आ जाएगी जिसकी वजह से व्यक्ति का कमाया हुआ धन जो है वो चला जाएगा। तो ये था धन त्रिकोण के विषय में। जो लोग पामिस्ट्री सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, या फिर न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए तथ्यों को समझना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।